नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जनपद के 17 थानों में दर्ज हुए मोबाइल गुमशुदगी के मुकदमों में काम करते हुए एसओजी की टीम ने लगभग 70 लाख के 511 फोन को रिकवर किया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने फोन स्वामियों को गुम हुए फोन को वापस लौटाया। फोन पाकर फोन स्वामियों के चेहरे पर खुशी से खिल उठे। इस दौरान फोन स्वामियों द्वारा पुलिस टीम का आभार भी जताया। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि पिछले एक साल में सैकड़ों लोगों ने थाने में अपने फोन की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिस पर एसओजी की टीम ने विभिन्न फोन को सर्विलांस में लगाया गया था। गुम हुए फोन को टीम द्वारा राजस्थान, जम्मू कश्मीर सहित पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, कासगंज, लखीमपुर खीरी जनपदों से रिकवर किए गए हैं और आज पुलिस ऑफिस में सभी फोन स्वामियों को फोन वापस लौटाए। उसको ट्रैकिंग करना पुलिस की काम का सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है, क्योंकि एक मध्यम वर्ग का परिवार का फोन 15 से 20 हज़ार, 25 से 30 हज़ार का भी फोन लेते हैं लोग, और बहुत मेहनत से कई महीनों का तनख्वाह को इकट्ठा करके लेते हैं। कभी खो जाता है या ऑटो रिक्शा स्टैंड में, कहीं पे भी, कई महत्वपूर्ण है। हमारे महोदय का निर्देश है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त करना है। माननीय डीजीपी श्री अभिनव कुमार सर का हाल ही में निर्देश था कि विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग करना है, और मतलब जो विक्टिम्स है उनकी सुनवाई करके उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिलीफ पहुंचाना है। तो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम यह है कि एक मिडिल क्लास परिवार का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है फ़ोन्स। तो जिनका खोया हुआ फ़ोन्स है, जो विभिन्न जगहों पर पब्लिक प्लेसेस में, अनजान जगहों पर और पब्लिक प्लेसेस में अलग अलग जगहों पर जो फ़ोन्स खोए जाते हैं या फिर पिक पॉकेट टाइप्स हो जाते हैं या फिर अनजाने में भी निकल जाते हैं, इन सभी फ़ोन्स जो खोए जाते हैं उनको वापस लौटाना बहुत बड़ी काम है। ये दिखाता है कि पुलिस संवेदनशील है और आम आदमी की आम समस्याओं पर खड़े उतरती हैं। आज इसी दिशा में हम काम करते हुए विगत कई महीनों से जो भी फ़ोन्स खोने का एप्लीकेशन आते हैं हम लगातार ट्रैकिंग में रखते हैं। एसओजी लगातार काम करती रहती है। आज एसओजी रुद्रपुर द्वारा बेहतरीन उपलब्धि हुआ है, तो विभिन्न विगत 2-3 महीने में जो भी फ़ोन्स खोए थे उन सबको जो ट्रैकिंग में रखे थे उनमें से 500 फोन्स हमने बरामद किया है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस बार कश्मीर से भी लाया हमने फ़ोन को और केरल से भी आया है, मतलब नॉर्थ और साउथ भारत की दोनों कोनों से जाकर जो फोन्स चलते हैं उनको वहां से बरामद करके लाए हैं। ये दिखाता है कि पुलिस के ऊपर विश्वसनीयता अच्छा है और हमारा टीम की संवेदनशीलता अच्छा है और विक्टिम के प्रति हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर 500 फोन्स जो है वापस हम ओनर्स को लौटाया जा रहा है और उसका एवरेज प्राइस हमने 15 से 16 हज़ार पकड़ा है, तो 70 से 75 से 80 लाख रुपए का वैल्यू रहता है। परंतु इसमें अल्ट्रा हाई एंड फोन्स भी है, आई फोन्स भी है और सैमसंग के अल्ट्रा हाई मॉडल एस मॉडल का फोन्स भी है, टैब्स भी है, आईपैड भी है, बट फिर भी हमने एवरेज वैल्यू मात्र 16 हज़ार पकड़ा है। तो एसओजी टीम को ढेर सारे बधाई और शुभकामनाएं हैं। इसी प्रकार विक्टिम के प्रति काम करना है, पीड़ितों के लाभ पहुंचाने के लिए काम करना है, ये संवेदनशीलता दर्शाती है। तो एसओजी इंचार्ज भारत है और उनकी टीम का संवेदनशीलता है, बेहतरीन काम हुआ है। इस टीम के लिए 2,500 रुपये का कैश रिवॉर्ड और वीरेंद्र और गणेश पांडे दोनों को इस काम के लिए हमने मैन ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट किया। सर, आज कितने लोगों को वितरित किया गया? इधर तो सांकेतिक रूप से 30-40-31 लोगों को हमने विकृत किया है, बट सबको अपने फ़ोन मिलेगा, सबका लिस्ट हमारे पास है फेसबुक। और इस बार हम क्या कर रहे हैं, ये जो फ़ोन्स बरामद हुए हैं उनका मॉडल नंबर्स और मॉडल नंबर्स के बाद सामने जो उनका कंप्लेंटेंट का नाम, कंप्लेंट का नाम भी लिख देंगे हम, लिख के एक मीडिया के साथियों के द्वारा भी और हमारा फेसबुक में भी हम पूरी लिस्ट, जैसे रिजल्ट होता है ना एग्ज़ाम के रिजल्ट की तरह, हम उसको छाप देंगे और जिसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो जाके एसओजी रुद्रपुर में अपना फ़ोन्स कलेक्ट कर